morning, student. This is your EBS class. Now, take out your EBS books and open the chapter number 22. Oh my, what a sky! Oh my, मतलब अरे वाह मेरा sky माने आपको पता है आसमान. Oh my, what a sky! Sky क्या है ये देखिए. तो सबसे पहले ये जो आपकी figures बनी हुई हैं, इनके dots को मिलाएंगे अपनी books में और इनमें कलर करेंगे और इनका नाम लिखेंगे. फर्स्ट क्या है देखिए, ये दिस इज मून. क्या है? मून. इसके डॉट्स को मिलाएंगे और कलर करेंगे और यहां लिखेंगे एम डबल ओ एन मून. क्या लिखेंगे? एम डबल ओ एन मून. सेकेंड है स्टार, एस टी ए आर स्टार. क्या लिखेंगे? एस टी ए आर स्टार. स्टार माने सबको पता होगा तारे. कहाँ होते हैं? आकाश में. दिस इज सन. सन एस यू एन सन. सन मीन्स सूरज. एवरीवन नोज सूरज. एंड दिस इज क्या है ये? क्लाउड्स. सी एल ओ यू डी एस क्लाउड्स. एवरीवन नोज मून स्टार सन क्लाउड. क्लाउड माने जो आसमान में बादल होते हैं. तो मून स्टार सन एंड क्लाउड्स ये सब कहाँ मिलते होते हैं? ऊपर. जब हम आकाश में देखेंगे तो आपको सब चीज, आपको ये सब आकाश स्काई में हमें सी देखेंगे. अब लेट्स बी स्टार्ट. वी लिव ऑन द अर्थ. वी माने हम, लिव माने रहते हैं, अर्थ माने पृथ्वी. अर्थ माने जो ये पृथ्वी है. हम कहाँ रहते हैं? हम पृथ्वी पर, अर्थ पर रहते हैं. इट इज राउंड लाइक अ बॉल. इट इज राउंड, ये क्या है? राउंड माने गोल. लाइक माने उसकी तरीके से. ये किसकी तरीके से? बॉल की तरीके से राउंड गोल होती है. आप लोगों को पता है, सबको पता है, जो पृथ्वी है, अर्थ है, वो किसकी तरीके से? वो बिल्कुल गोल है. जैसे कि बॉल गोल होती है, वैसे ही अर्थ भी गोल होती है. इफ वी गो आउट ऑन द टेरेस एंड लुक. इफ यदि, वी माने हम, गो माने जाते हैं, आउट अगर हम बाहर, टेरेस माने जो आपकी छत है, बाहर है आपका. अगर इफ वी गो आउट ऑन द टेरेस एंड लुक अप, अगर हम बाहर टेरेस पर जाते हैं अपने घर पे एंड लुक अप, और हम क्या है? लुक माने देखना. हम बाहर ऊपर देखते हैं. व्हाट डू वी सी? तो हम क्या देखते हैं? व्हाट डू वी सी, इसका मतलब क्या है? व्हाट माने क्या, हम क्या देखते हैं? सी माने देखना. व्हाट डू वी सी, हम क्या देखते हैं? वी सी द स्काई. हम क्या देखते हैं? वी सी द स्काई. वी माने हम, सी माने देखना, अभी बताया आपको. स्काई माने आसमान. तो हम क्या देखते हैं? स्काई को देखते हैं. द स्काई इज ब्लू इन कलर. स्काई किस कलर का है? स्काई आप लोगों को सबको पता है, एवरीवन नोस स्काई इज ब्लू इन कलर. की स्काई ब्लू कलर का है. द सन द मून एंड द स्टार्स शाइन इन द स्काई. और जो सन है, मून है और स्टार है, शाइन माने चमकना. शाइन माने चमकना. वो सब स्काई में, आसमान में चमकते हैं. अब सबसे पहले क्या? द सन. द सन शाइन इन द डे. सर सूरज कब चमकता है? सन इन द शाइन इन द डे. जो सूरज है वो दिन में चमकता है. सबको पता है सूरज कब निकलता है? दिन में. सन कब चमकता है? दिन में. इट इज वेरी हॉट. और हॉट माने गरम. ये क्या है? बहुत गरम है. अगर आप सूरज के पास जाएंगे और दिन में आप जब सूरज चमकता है तो कितनी गर्मी होती है. तो इट इज वेरी हॉट, वो बहुत गर्म होता है. इट गिव्स अस हीट एंड लाइट. ये हमें क्या है? हीट. गिव्स माने देना. इससे हमको हीट, गर्मी मिलती है, एंड लाइट, और हमें
लाइट रोशनी भी होती है और गर्मी भी होती है। द सन लुक्स स्मॉल एज इट इज फार अवे फ्रॉम अस। सूरज फार अवे मतलब दूर है, क्योंकि ये हमसे दूर है इसलिए ये हमें स्मॉल दिखता है। ये हमारे से बहुत दूर है क्योंकि आसमान में ऊपर स्काई में है, तो ये हमसे बहुत दूर है, तो इसलिए क्या है ये हमें स्मॉल दिखता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। सबको मैंने लास्ट चैप्टर में भी बताया था कि सन राइजेज इन द ईस्ट। सन कहाँ से निकलता है? ईस्ट से। कहाँ से निकलता है? ईस्ट, यानी कि ईस्ट माने क्या बताया था आपको? पूरब। तो जो सूरज निकलता है वो हमारी कौन सा डायरेक्शन कहलाता है? ईस्ट कहलाता है। वो द सन राइजेज इन द ईस्ट। सन जो है ईस्ट पूरब से निकलता है। इट सेट्स इन द वेस्ट। और जब ये शाम को छिपता है, सेट होता है, तो वो कौन सा डायरेक्शन होता है? वेस्ट होता है। बट इट सेट्स इन द वेस्ट, और ये वेस्ट में छिपता है। अभी मून, वी सी द मून एट नाइट। और चंद्रमा जो सन है वो तो हमें दिन में दिखता है, और वी सी द मून एट नाइट। और सबको पता है माने चंद्रमा, चंद्रमा कब दिखता है हमें? वो नाइट में दिखता है। इट इज स्मॉलर देन द सन। और ये क्या है? स्मॉलर, छोटा। ये सन से छोटा है। इट इज स्मॉलर देन द सन। ये सन से छोटा होता है। इट्स लाइट इज कूल एंड ईजी। और इसकी जो रोशनी होती है, लाइट होती है, वो कैसी होती है? ठंडी होती है और बहुत प्लीजिंग होती है, सुकून शांति देने वाली होती है। इट्स लाइट इज कूल एंड ईजी। इसकी जो लाइट है, सूरज की रोशनी, बहुत गर्म होती है लेकिन इसकी ठंडी होती है। इस लाइट इज कूल एंड प्लीजिंग। इसकी जो लाइट होती है वो कूल एंड प्लीजिंग होती है। द मून चेंज इट्स शेप एवरी डे। और जो मून की शेप है वो आप लोगों को पता है, एवरी डे डेली चेंज होती है। जो मून की शेप है वो एवरी डे चेंज होती है, डेली चेंज होती है। समटाइम्स वी सी फुल मून। हम क्या है, कभी कभी हमें पूरा मून एक गोले की तरीके से ऐसे दिखाई देता है। समटाइम्स वी सी फुल मून। हमें कभी कभी ये पूरा एक गोला सर्कल दिखाई देता है। समटाइम्स वी सी द हाफ मून। और कभी कभी वो हमें आधा हाफ मून दिखता है। वो आधा अर्धचंद्रमाकार मून होता है, हाफ मून कहते हैं उसे। समटाइम्स द मून इज नॉट सीन एट ऑल। और समटाइम्स क्या होता है? द मून इज नॉट सीन एट ऑल। समटाइम्स जो है वो मून बिल्कुल नहीं दिखाई देता। जैसे कभी कभी जब बादल होते हैं आकाश में, आपने देखा है जब बादल होते हैं तो क्या होता है? हमें वो मून नहीं दिखाई देता। ठीक है, सबको समझ में आया है? द मून चेंज इट्स शेप एवरी डे। जो मून है, चंद्रमा है, उसकी शेप डेली चेंज होती है। कभी कभी समटाइम्स वी सी फुल मून, कभी हमें पूरा चंद्रमा दिखाई देता है। समटाइम्स वी सी द हाफ मून। और कभी कभी समटाइम्स वी सी द हाफ मून, ये हमें हाफ मून दिखाई देता है। और समटाइम्स द मून इज नॉट सीन एट ऑल। कभी कभी हमें चंद्रमा नहीं दिखाई देता। जब आकाश में बादल होते हैं तब ये हमें नहीं दिखाई देता। द स्टार्स वी सी द स्टार्स इन द स्काई। वी सी द स्टार्स इन द स्काई। हम क्या है, स्काई में स्टार्स को भी देखते हैं। वी सी द स्टार्स इन द स्काई। आप सब लोग देखते हैं, हम लोग स्काई में आप सब लोग स्टार्स को देखते हैं। क्या है, रात को जब स्टार स्काई में चमकते हैं। द स्टार्स शाइन एट नाइट। और स्टार्स क्या है, वो भी रात में चमकते हैं। वी कैन नॉट काउंट द स्टार। और हम क्या है, आप तारों को गिन सकते हैं, स्टार्स को गिन सकते हैं? कभी किसी ने तारे गिनने की कोशिश की है? नो, वी कैन नॉट काउंट द स्टार, क्योंकि हम तारों को कभी भी काउंट नहीं कर सकते।
क्योंकि तारे तो आपने देखा है आकाश में बहुत सारे होते हैं, काउंटलेस होते हैं, उनको आप कभी भी नहीं गिन सकते। वी कैन नॉट काउंट द स्टार्स, हम तारों को नहीं गिन सकते। सम स्टार्स आर बिग एंड सम आर स्मॉल, कुछ तारे क्या है बड़े होते हैं। सम स्टार्स आपने पता ही है आपको, जो सब कुछ तारे हैं वो बड़े स्टार्स बड़े होते हैं, सम आर स्मॉल, और कुछ क्या है छोटे होते हैं। तो सब बच्चे रात को स्काई में सन मून स्टार सब देखते हैं, सबने देखा है। तो जो स्टार्स हैं वो रात में शाइन करते हैं और हम स्टार्स को काउंट नहीं कर सकते, दे आर काउंटलेस। ओके, अब है नेक्स्ट क्लाउड्स। वी ऑल्सो सी क्लाउड्स इन द स्काई, वी ऑल्सो सी क्लाउड्स इन द स्काई, हम आकाश में क्या है क्लाउड्स को बादलों को भी देखते हैं। समटाइम्स समटाइम्स डार्क क्लाउड्स ब्रिंग रेन, और समटाइम्स क्या होता है जो आपने देखा है काले काले बादल होते हैं, तो वो उनसे क्या होता है, जब होते हैं काले बादल होते हैं तो क्या होती है उससे बारिश होती है। तो हम क्लाउड्स को जो देखते हैं और जो जब डार्क क्लाउड्स होते हैं काले बादल होते हैं तो वो जो है क्या होती है उनसे बारिश होती है। I hope all of you have understand this chapter. Please read it, this chapter at your home. Okay? हमने आज chapter से क्या क्या पढ़ा है, What a sky, जिसमें earth, sun, moon, star, cloud सबके बारे में पढ़ा है, जो कि सब बच्चे जानते हैं कि क्या है sky में ये सब। sun दिन में चमकता है, अर्थ जो पृथ्वी है वो किसकी तरीके से गोल है, राउंड है, गोल है, बॉल की तरीके से राउंड है। ठीक है, तो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड, प्लीज रीड दिस चैप्टर एट योर होम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।